हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, लेकिन बाकी मैंने मतलब वीडियो नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, स्पीड बढ़ाने पर भी लंबी हो जाती। तो मैंने क्या किया कि डोर मैट मैंने जो क्लीनिंग किया था 3-4, तो उसका वीडियो मैंने अलग से शेयर कर दिया है, तो मैंने इसमें स्पीड भी नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डोर मैट जो था, वो 3-4 डोर मैट थे तो बहुत अच्छे खासे मतलब गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे मतलब ऐसे पूरे घर की आज मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। तो अभी मतलब मैंने यहाँ पर नहाया वहाया नहीं है। तो इधर अभी मैंने रियल साउंड ही रखा, और उसके बाद फिर यहाँ पे तो अच्छे खासे गंदे हो गए थे। तो पहले क्या होता था कि मैं हाथ से ही मतलब इसको रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ करती थी, जैसे कपड़े साफ़ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच मतलब कुछ दिनों से क्या हुआ कि मैं ब्रश से मतलब इसको अच्छे से कपड़े वाले ब्रश से सब साफ़ करने लगी, तो देखा अच्छे से साफ़ हो जाता है। हाथ से खाली साफ़ करने की अपेक्षा अगर इसके ब्रश से साफ़ करो तो थोड़ा मेहनत कम लगता है, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे खासे गंदे हो जाते हैं। और ये जो है डोरमेट ऐसा है कि जैसे इसमें बाल में कंघी वगैरह करो तो उसके बाद कहीं ना कहीं इधर उधर बाल मतलब कितना भी करो तो एक दो उड़ के इधर उधर हो ही जाते हैं। तो ये सब इसमें ऐसे चिपक जाते हैं कि इसको अगर अच्छे से मतलब अगर साफ़ भी करेंगे तो जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन ये ब्रश है से करो मतलब इसके धागे ऐसे हैं कि इसमें कुछ भी है बहुत जल्दी से मतलब चिपक जाता है। तो अगर आप इस ब्रश से साफ़ करो तो बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ निकल भी जाता है। और यहाँ तक कि क्या है, देखिए कभी कभी मतलब थोड़े बहुत धागे भी इस ब्रश के साफ़ करने से इसके निकल जाते हैं डोरमैट्स का। तो यहाँ पर मेरा डोरमैट जो था उसको मैंने क्या किया था, डोरमैट को अच्छे से मतलब मैंने पहले थोड़ा पानी में भिगो लिया, फिर मैंने सर्फ डाला, फिर इसको अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ कर दे रही हूँ। और अब क्या हुआ कि जब मैं साफ़ कर रही थी तब बेटू मेरा सो रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि मतलब वो उठ गया, तो मैंने कहा कि चलो ये मतलब मम्मा मम्मा करने लगा, मैंने कहा चलो जल्दी से इसको डोर मैट अब साफ़ कर रहे हैं और भीग गए ही हैं तो इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी मैंने बहुत अच्छे से पूरे घर की मतलब डीप क्लीनिंग की है, डस्टिंग वगैरह सब किया है और अच्छे से मतलब झाड़ू वगैरह सब लगा लिया, बस खाली मुझे पोछा लगाना बाकी था। फिर बेटू उठ गया, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है अब इसको मतलब साफ़ करने के बाद मैं सीधे नहा लूँगी, फिर बाद में पोछा वगैरह लगाएंगे। तो बाकी फिर मैंने बाद में पोछा वगैरह लगाया था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे केवल डोर मैट जो मैंने साफ़ किया बस उसी का मैंने यहाँ पे वीडियो शेयर किया है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो न्यू हमारे चैनल पे आते हैं अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।